पीआई से जुड़े अपनी पाकिस्तानी कौम के हजारों शायद लाखों गुमनाम नौजवानों बेटे बेटियों के नाम वक्फ कर रहा हूं, उनको सलाम अकीदत पेश कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन हजरात को एस्टेब्लिशमेंट का बंदा करार दिया जाता है, जिन लोगों को नून लीगी करार दिया जाता है सोशल मीडिया पे, आज वो भी तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद दे रहे हैं। आज वो भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जीत गई है, इमरान खान जीत गया है, जेल में रहकर भी वो शेर साबित हुआ है। ज़रा कामरान खान साहब की बातें सुनिए जो काबिल गौर हैं, और लास्ट में जहां पर भी पसंद आए लाइक कीजिएगा। पीआई से जुड़े अपनी पाकिस्तानी कौम के हजारों शायद लाखों गुमनाम नौजवानों बेटे बेटियों के नाम वक्फ कर रहा, उनको सलाम अकीदत पेश कर रहा हूँ, जिन्होंने नाकाबिले बयान पाबंदियों में बगैर एक भी जलसा बिना किसी जुनून फंड की कभी गिरफ्तारियों के खौफ के बावजूद पाकिस्तान में अपनी नौयत की वाहिद ज़ेर ज़मीन इंतखाबी मुहिम चलाई, बेमिसाल कामयाबी हासिल की। न्यूज पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन थी जिसको इंतखाबी मुहिम के दौरान पूरे पाकिस्तान में एक भी जलसा हत्ता के एक भी कॉर्नर मीटिंग की इजाजत नहीं थी। पीटीआई की पूरी लीडरशिप कैद थी या रिपोर्ट थी। पीटीआई की इन गुमनाम लाखों रजाकारों के पास अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए एक इंतकामी निशान भी नहीं छोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब जनाब काजी फाइजा की बेंच और उसे इस पीटीआई की तमाम शनाख्त यानी कि उसको उसकी बुनियादी शनाख्त बल्ले से महरूम कर दिया था। बाकी भाई इमरान खान का मास है, चार छह अशखास के किसी से कोई रब्ता न था, न तकरीबन तमाम पीटीआई कयादत कैद है या रुपोश या डर ऑफ मानस में पार्टी छोड़ चुकी। सामने इमरान खान मुखाले पीटीआई मुखाले तमाम जमातें मुत्तहिद थी, जबरदस्त रियासती कुव्वत से लैस थी, इलेक्शन में पीटीआई को रेजा रेजा करने के लिए मैदान में उतर चुकी। आप अंदाजा लगाए नवाज शरीफ की नून लीग जरदारी की पीपीपी अरबों से तामीर इंतखाबी मुहिम से पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल तमाम अखबार इश्तहारात से लबालब भर दिए थे, मगर पीटीआई को एक रुपए का भी इश्तहार ना चल सकता था ना चला। यही नहीं, गुजरात छह माह से किसी अखबार किसी टीवी चैनल पे इमरान खान की ना कोई तस्वीर आ सकती है, ना आई ना आवाज सुनाई दी ना कोई तस्वीर। ये वो पसमंदर था जिसमें इन गुमनाम लाखों पाकिस्तानी नौजवानों ने बेड़ा उठाया, वो हिम्मत नहीं हारी। वो हर एक एक 12 करोड़ वोटर्स तक पहुंचेंगे और हर एक 12 करोड़ वोटरों को बताएंगे कि उनके हल्के में पीटीआई का नामजद उम्मीदवार कौन है और उसका निशान क्या है। चिमटा है, लोहा है, जूता है, टमाटर है, आलू है, अरे कमाल कर दिया मेरे पाकिस्तान के गुमनाम लाखों बेटो बेटियों ने। ये बिना किसी पार्टी सपोर्ट अपनी जेब से खर्चा उठाए हर पाकिस्तानी गलाने तक पहुंचे और जुमेरात 8 फरवरी की सुबह तक 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को चाहे सोशल मीडिया से चाहे डोर टू डोर पहुंचकर पावर करा चुके थे, याद करा चुके थे कि उनका पीटीआई का उम्मीदवार कौन है और उसका इंतकामी निशान क्या है। इन नौजवानों ने कमाल नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया। इसके बाद जिस तरह से पाकिस्तानी कौम निकली और नाम निहाद अरबपति सियासी बुतों को पारा पारा कर दिया, उसका निजारा पूरे पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। राणा सनाउल्लाह हो, साद रफीक हो, ख्वाजा आसिफ हो, जानी करीन हो, परवेज खटक हो या महमूद खान हो, इन तमाम के तमाम सियासी मुंह काले आनंद फानंद काले हो गए। लाहौर मानसेरा के फॉर्म 45 इलेक्शन का पेज और उसके वोटर सबूत दिखा रहे थे किस तरह नवाज शरीफ खुद मानसेरा लाहौर में बदतरीन इंतकामी चिकित्सा से दुचार थे। अब सलाम पहुंचे, बल्कि हमारा सलाम अकीदत पहुंचे उन गुमनाम लाखों पाकिस्तानी नौजवान रजाकारों को जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। अब आपने शानदार सियासी कामयाबी हासिल कर ली है मेरे कौम के बेटे बेटियों, अपने आप ने अपना काम कर दिखाया। मेरे बेटे बेटियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब वक्त है हिकमत से, अकलमंदी से, सब्र से आगे बढ़ने का। मेरे बेटे बेटियों, आपने साबित कर दिया है कि आप हम सब के पाकिस्तान का सबसे कीमती सरमाया है। वो कुव्वत, वो अजम जो आप पीटीआई के जेर जमीन इंतखाबी चला मुहिम चलाने और उसकी मिसाली कामयाबी में आपने सर्फ किया, जो आपने दिखाया, वही कुव्वत जब वतन अजीज की तामीर नौ और इसकी तरक्की में सर्फ होगी तो हमारा पाकिस्तान बिजली की तेजी से तरक्की करेगा और तरक्की आपका मुल्क की कर्ज में शामिल हो जाएगा। मेरे बेटे बेटियों, हर उस अमल से इज्तनाब करना है जिससे पाकिस्तान कमजोर हो। बेशक माजी में इदारों से बेपनाह संगीन गलतियां सरजद हुई है, मगर हमारी सियासी जमातों से बेशमूल पीटीआई, और मुझे कहने दीजिए मेरे बेटे बेटियों, इमरान खान से भी बड़ी संगीन गलतियां सरजद हुई हैं। इदारों सियासतदानों को इन गलतियों से सबक सीखना है, इन नमनामा करना है। मैं रियासत पाकिस्तान के तमाम सुतूनों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, आप भी आगे की तरफ देखें, इन लाखों नौजवानों की सियासी पसंद और तरजीह की बांग रखें। इसके बाद इन्हीं बाहिम्मत और बुलंद बाला अज़्म रखने वाले नौजवानों की हिमालयी कुव्वत से हम फायदा उठाएंगे। हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारी आबादी के 65% नौजवानों के हाथ में है। वैसे किया इन्होंने कि जो सही है वो इन्हें नजर आ रहा है, अलग बात है कुछ अनासर को नजर नहीं आ रहा, और कुछ अनासर ये कोशिश कर रहे हैं कि अवाम की आंखों में धूल झोंकी जाए और बताया जाए कि अवाम नाकाम हुई है, इमरान खान नाकाम हुआ है। लेकिन माफिया पहले भी इकट्ठा हुआ था, 16 महीने हुकूमत चली, बर्बादी के अलावा कुछ हाथ नहा आया, इस मरतबा भी माफिया को इकट्ठा करके शौक पूरा कर लिया जाए। आगे रिजल्ट्स क्या निकलते हैं वो वक्त ही बताएगा। शेयर कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें।